अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल डिश, ईद वाला शीर खुरमा। और इसका बनाने का मेथड सबका अपना अपना अलग होता है, और इसी तरह हमारा भी मेथड कुछ अलग है, तो इससे इसका टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए हमने इसे अपने मेथड से बनाए हैं और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, बादाम, काजू, पिस्ता और चारोली। और ये सभी एक ही मेजरमेंट से लेना है। इसे हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, हमने सब पाव पाव किलो लिया है, तो उसमें से ही हमने थोड़ा सा निकाल लिए हैं। तो इसको एक एक घंटा पहले हम भिगा देंगे, बादाम और पिस्ते को गर्म पानी में। इसकी जो स्किन होती है ऊपर की, उसे निकाल कर इसे कट कर लेना है। लेकिन जो काजू होता है उसे हमें ठंडे पानी में भिगाना है। तो आप इसे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ही ले सकते हैं। और ये हमने थोड़े से किशमिश ले लिए हैं, और ये 1.25 लीटर हमने दूध लिए हैं, इलायची पाउडर, और ये ज़ाफ़रान हमने थोड़े से दूध में भिगा कर रख दिए हैं, और शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करेंगे। और ये थोड़ी सी सेवई हमने लिए हैं, सेवई हमें ज़्यादा नहीं लेनी है, नहीं तो ये पूरी सेवई ही बन जाती है, शीर खुरमे का टेस्ट हट जाता है इसमें से। तो अब हम सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, इसमें 4 से 5 टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे। और घी गर्म होते ही हमें फ्लेम को लो कर लेना है, और लो फ्लेम पर रख कर सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, और इसे हल्का सा भून लेंगे चम्मच से चलाते हुए। और फ्लेम को हमें लो पर ही रखना है, इसे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, नहीं तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब ये 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से भून चुका है। इसमें अब हम किशमिश ऐड कर देंगे। किशमिश को हम बाद में ऐड करेंगे, अगर पहले ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा लाल हो जाएंगी और उसका टेस्ट अलग हो जाएगा। अब हमने किशमिश को डालकर भी इसे अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें हम दूध ऐड कर देंगे, 4 से 5 चम्मच हमने इसमें शक्कर ऐड कर दी है। आप इससे इसमें कम या ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं शक्कर की। और इसमें ज़ाफ़रान भी ऐड कर देंगे। अब इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसमें एक बॉईल आने देंगे, उसके बाद में हम इसमें सेवई ऐड करेंगे। अब इसमें एक बॉईल आ चुका है, इसमें हम सेवई ऐड कर देंगे, और इसे मिक्स करके अच्छी तरह से लो फ्लेम पर इसे पका लेंगे। और ये हमने रोस्टेड सेवई लिए हैं, जिससे हमें इसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे ऐसे भी डाल सकते हैं। अब इसे 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाना है, ताकि अच्छी तरह से मेवे का फ्लेवर हमारे दूध में आ जाए, और दूध भी अच्छी तरह से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, और ज़ाफ़रान से इसका कलर भी थोड़ा अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा शीर खुरमा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और इसका टेस्ट नहीं आएगा, ये सेवई की तरह बन जाएगा। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। और ये देखिए, हमारा शीर खुरमा बनकर रेडी हो गया है, और ये कितना अच्छा लग रहा है, इसका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट शीर खुरमे की तरह आया है। और ये इसीलिए कि जो हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किए हैं, यही चीज़ ध्यान रखना है कि उसे लो फ्लेम पर सिर्फ 2 मिनट ही भूनना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो इसका कलर लाल हो जाता है और इसका टेस्ट भी हट जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें इस ईद में। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।